ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार अंग्रेजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BHU UG का फाइनली काउंसलिंग हो चुका है और उनका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग की डेट आ चुकी है, यानी फाइनली आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ BHU UG 2024 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी। और इसी दरमियान आप लोग को पता होगा कि कुछ सीटें जो बची हुई हैं उसको स्पॉट राउंड से भरा जा रहा है, जिसका आज ही लास्ट डेट। तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी अभी अपना पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो वो करें। और जो जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है वो फाइनली अब आके क्या करें, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। तो ये पूरा एक फॉर्मेट है जिसको फॉलो करना है। यहाँ पे मैं दो फॉर्म दूंगा और ये दोनों फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्योंकि बिना इस फॉर्म के आप यूनिवर्सिटी में आओगे तो काम नहीं बनने वाला है। तो ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन उसी ग्रुप से मिल जाएगा एक बार में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनली कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको घर से लेके निकलना है। ठीक है, तो डेट समझ लो पहले कौन सा है। तो यहाँ पे दो डेट हम लोग को जानना है। ठीक है, एक है 13 तारीख, एक है 14 तारीख। ठीक है, ठीक है, यानी हमारे पास 13 सितंबर का टाइम दिया गया है और 14 सितंबर का डेट दिया गया है। ये दो डेट पे हम लोग आके BHU के अपने अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी में वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बेसिकली मैं आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के कोर्स वाइज बताऊंगा कौन कौन सी वैल्यू रखी गई है, वो वैल्यू कहाँ है, अभी वीडियो को आगे डिस्कस करेंगे। ये डेट पता चल गया आपको। 17 तारीख यहाँ पे एक डेट दी गई है जो कि आपके क्या है, क्लास की डेट है। ठीक है, 17 तारीख की जो डेट है वो किसकी डेट है, आपके क्लासेज स्टार्ट होने की डेट है। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग का BHU में फाइनली स्टूडेंट हो गए हैं और 17 तारीख से हम लोग अपनी क्लासेज स्टार्ट कर पाएंगे। तो 13-14 को आके वेरिफिकेशन कराओगे और उसी दरमियान चाहो तो अपना पूरा बोरिया बिस्तरा बांध के आ जाओ और 17 से अपनी क्लासेज स्टार्ट कर दो। ध्यान देना कि ये डेट जो है 17 तारीख वाली बहुत रेयर में चेंज भी हो सकती है। आप दो हफ्ते, एक हफ्ते, सॉरी 7-8 दिन, 5 दिन किसी बीमारी वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से अगर लेट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिकली इस डेट को ऑफिशियली फॉलो करोगे और कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए रहती है, यहाँ पर रिलैक्सेशन रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत इमरजेंसी में बच्चे परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो उनके लिए है। बाकी आप लोग कोशिश करना कि समय से आ जाओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से है यहाँ पे मैं टिक करते चल रहा हूँ। हाई स्कूल यानी आपका 10th, आपका कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट यानी OBC है, EWS है, STSC है, तो ये सब आपको लेके आना है। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी एंड माइग्रेशन, अगर आपके पास टीसी माइग्रेशन अवेलेबल नहीं होगा तो बाद में सबमिट कर सकते हो। कोशिश करो कि स्कूल से आप निकलवा के ले आना। ठीक है, अंडरटेकिंग कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अंडरटेकिंग। जो भी डोजियर है, एंटी रैगिंग है, हॉस्टल का डोजियर है, डेलीगेसी का है, सब कुछ वहां मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी है, ज्वाइन कर लो जल्दी से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा फील्ड रेजिडेंस रोड डोजियर फॉर्म, जो मैं आपको बताया BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि आपने जो BHU का रजिस्ट्रेशन किया था CUT UG का एग्जाम देने के बाद, वो फॉर्म आपको लेकर आना है। ठीक है, और CUT का NTA का स्कोर कार्ड, यानी आपने जो CUT का एग्जाम दिया, जो आपका पूरा मार्क्स आया जिस पेज पे, उसका प्रिंट आउट। और ये सभी लगभग आप 2-3 कॉपी ले लो कम से कम। ठीक है, 3 कॉपी कम से कम, 3 कॉपी आप लोग ले लो। ठीक है, 3-3 कॉपी सबका ले लो, जो ओरिजिनल बोला गया है उसका भी कॉपी ले लेना, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं कुछ आपको फोटोज बता देता हूँ, कम से कम 20 फोटोज ले लेना अपना, बढ़िया सा फोटो। ठीक है, जो आपने कहाँ भरा होगा, जो आपने फॉर्म में भरा होगा, या कोई नया फोटो भी क्लिक करा के आ सकते हो। बेसिकली थोड़ा सा पासपोर्ट साइज फोटो जो होता है वो ऑफिशियल लुक में होता है, तो आप ध्यान देना कि ऑफिशियल लुक में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे डेट दी गई है, वो कौन कौन सी डेट है जिस डेट पे आपको अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी में बेसिकली आना है। ठीक है, तो हम लोग अब डेट डिस्कस करेंगे और वो डेट है बीए आर्ट्स वालों के लिए 13 तारीख और 14 तारीख। ध्यान दो कि पूरे कोर्सेज की दो डेट रखी गई, या तो 13 को आओ या तो 14 को आओ। ठीक है, किसी एक दिन आना है। तो BA का जो डिपार्टमेंट जो वेरिफिकेशन है, BA का है, BCOM का है, PLLB का है, शास्त्री का है, BVOC का है। ठीक है, इन सभी का यहाँ पे प्लेसेस दिया हुआ है। अगर यहाँ विजिबल नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आप लोग क्या करो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोटिस डाल दूंगा, वहां पे आप अपने डिपार्टमेंट का, अपने फैकल्टी का नाम देख लो। जैसे कि बी आर्ट्स का कहाँ है, ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स BHU, किसी से भी कैंपस पूछोगे कि आर्ट्स फैकल्टी कहाँ है बता देगा। सोशल कहाँ है, सोशल फैकल्टी में होगा। सबका उन्हीं उन्हीं के डीन ऑफिस के पास होगा, जहाँ पे डीन बैठते हैं उन्हीं के बगल में उनका एक ऑफिस होता है, जहाँ पे वहाँ पे ऑलरेडी रिलेटेड आपके ऑफिसर्स होते हैं, रिलेटेड जो एम्प्लॉई होते हैं, और वो आपका फाइनली वेरिफिकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करा लेते हैं। ठीक है, तो BLLB का कहाँ होगा, तो आपका लॉ फैकल्टी में होगा, क्योंकि वो लॉ फैकल्टी में आता है। शास्त्री का कहाँ होगा,
एसवीटीवी में होगा, संस्कृत विद्याधर में होगा, ठीक है। विभव का कहाँ होगा, तो ध्यान देना कि विभव जो है ये बरकच्छा में, क्योंकि यहाँ पे इसके तो कोर्सेज रिलीड कर दिए गए हैं, तो इनका वेरिफिकेशन बरकच्छा में है, ये यहाँ पे बताना बेहद जरूरी है। आप लोग देख लो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विभव का एडमिन बिल्डिंग राजीव गांधी साउथ कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बरकच्छा मिर्जापुर, ठीक है। तो इसका यहाँ नहीं होगा विभाग का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ऑफिस ऑफ डीन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में, ठीक है। उसके बाद बीए सोशल साइंस का सोशल फैकल्टी में, बीएससी मैथ एंड बायोलॉजी का कहाँ पे है, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फैकल्टी ऑफ साइंस में, डीन ऑफिस के पास होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें नहीं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो फॉर्म कौन सा है जो सर हमें लेके आना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म देख लेते हैं, ये है रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन के टाइम ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक टेलीग्राम का सीयूटी हेल्प डेस्क पाठशाला का ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल आईडी है, फ्री में सब कुछ वहां मिल जाएगा, ये मैं वहां फॉर्मेट डाल देता हूँ। बेसिकली ये फॉर्मेट आपको वहां पे फिल करके उस दिन सबमिट करना है, जैसे कि आपके पास जो है वो आप यस क्लिक करोगे, जो नहीं है आप नो क्लिक करोगे। ये देने का मतलब ये है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ध्यान देना, आप वहां पे पहले प्रेजेंट हो जाओ, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ प्रेजेंट हो जाओ, कोशिश करो कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आप लेके ही प्रेजेंट हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना अपने हिसाब से। यहाँ पे क्या भरना है, आपका कोर्स, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, बहुत आसान आसान है, जो नहीं समझ में आएगा वही आप पूछ सकते हो। ये फॉर्म ऐसा नहीं है घर से फिलअप करके आओगे तभी मान्य होगा, ये फॉर्म आप ऑन द स्पॉट उसी वेरिफिकेशन टाइम पे भी भर फिलअप कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट नेम, कैटेगरी, अलॉटमेंट, मेजर सब्जेक्ट्स, यानी जो आपका ऑनर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको भरना है यहाँ पे। इसमें से आपको क्या मिला, डीएमसी मिला, एमएमबी मिला, आरडीएससी, एफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे कोटा क्या है, रेगुलर है, पेड है, इंटरमीडिएट मार्क्स कितना है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इतनी सारी चीजें जो एस नो करके फिलअप करनी है, ये पूरा फॉर्म जो है आपको कम से कम 3 कॉपी निकाल लेना है और ये फॉर्म आपको लेके आना है। उसी तरीके से एंटी रैंकिंग डोजियर के भी कम से कम 2-3 प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसको फिलअप कर लेना। जो भी प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है काउंसलिंग वाला, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ₹50 लगेगा और वहां पे हम लोग टीम बैठी होगी, बहुत रेयर पे अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो ऑन द स्पॉट, जैसे आपका कॉल पिक हो जाए, ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई मिल जाए, तो उसके लिए आप वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन नंबर है काउंसलिंग वाला, ठीक है। उस पर क्या व्हाट्सअप करना है, कॉल बैक खुद जाता है, या फिर आप व्हाट्सअप पे पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद व्हाट्सअप कॉल करोगे तो रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक हॉस्टल वाला है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलने वाला, तो क्या करोगे, आप हॉस्टल वाला ज्वाइन कर लो और वहां पे प्राइवेट हॉस्टल रिकमेंड कर देंगे, तो टेलीग्राम पे आईडी उसको ज्वाइन कर लो। मुस्कुराते रहो, बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। हर हर महादेव।